हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ, और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मेरा नाम फ्रैंकलिन मॉरिस है। यहाँ जापान में रहना मेरे जैसे एक अंग्रेज़ के लिए थोड़ा अजीब है, पर यहाँ रहना मेरे लिए अच्छा ही है। यहाँ लोगों को डॉक्टर्स की अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है, और इस लिहाज से मेरा काम यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है। यहाँ के लोग अच्छे हैं और अक्सर शांत रहना पसंद करते हैं। यहाँ के ज़्यादा लोगों से मेरी कोई बोलचाल नहीं है, मैं उनकी भाषा समझ नहीं सकता। सिर्फ कुछ पेशेंट्स हैं जो अक्सर मेरे पास आते जाते रहते हैं और मुझ पर भरोसा करते हैं। इसी तरह मेरा क्लिनिक यहाँ बहुत आराम से चल रहा था। शाम के वक्त मैं अपना क्लिनिक बंद करके अपने रेंट के मकान पर चला जाता था और वहाँ आराम से रहता था। यहाँ मुझे अपनी कुछ पुरानी चीज़ों की याद ज़रूर आती है, मेरे घर के खाने की और वहाँ के माहौल की याद ज़रूर आती है। पर मैंने अपने जैसे कुछ लोग यहाँ भी ढूंढ रखे हैं जो मेरी तरह ही अंग्रेज़ हैं, और उनके साथ वक्त बिताते हुए मुझे अच्छा लगता है। खैर, सबसे अहम बात जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, आज से कुछ महीनों पहले एक अजीब घटना हुई मेरे साथ। इतनी अजीब कि जिस पर सुनकर विश्वास करना बिल्कुल मुश्किल होगा किसी के लिए भी। इसलिए सुनने से पहले एक बार सोच जरूर लेना, पर फिर भी मेरे लिए बताना बहुत ज़रूरी है। आज से कुछ महीनों पहले हर आम दिन की तरह उस रोज़ भी मैं शाम के वक्त अपना क्लिनिक बंद कर रहा था। मौसम ठंडा था और सर्द हवाएं चल रही थी। मैं अपना क्लिनिक बंद करके बाहर निकला। उस वक्त तक सड़क पर खुली हुई अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थीं और लोगों की आवाजाही भी बिल्कुल कम हो गई थी। कुछ ही लोग सड़क पर घूम रहे थे जो रात के वक्त घूमने फिरने या फिर किसी रेस्टोरेंट की तलाश में बाहर आए थे, या मेरी तरह ही अपने काम से वापस घर को जा रहे थे। मैं अपना क्लिनिक बंद करके वापस रास्ते की ओर मुड़ा ही था कि तभी अचानक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी से मेरा सामना हुआ। वो बहुत तेज़ी से आ रही थी। अगर मैं एक कदम भी आगे होता तो शायद वो मुझसे टकरा ही जाती। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका दरवाज़ा खुला और उसके अंदर से एक जापानी इंसान ने बाहर कदम रखा, और उसने फौरन अपनी हड़बड़ी में मुझसे कुछ कहा अपनी भाषा में, जिसे मैं समझ नहीं पाया। फिर उसके साथ आई हुई एक लेडी ने मुझे उसकी बात समझाई जो शायद इंग्लिश जानती थी, और उन्होंने मुझसे बताया कि मेरा एक रिश्तेदार बहुत बीमार है, इस वक्त हमें कोई भी डॉक्टर नहीं मिल रहा है, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या आप हमारे साथ हमारे घर चलेंगे? गाड़ी तैयार है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मैं वापस आपको आपके घर तक भी छुड़वा दूँगी। पर ये वक्त मुझे अपने घर जाना है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। अब ठीक है, उसने मुझसे कहा और मैं मना नहीं कर पाया। शायद वो दोनों ही बहुत परेशान थे और किसी ज़रूरी काम से आए थे यहाँ। मैं जल्दी ही उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठा, और वो जिस रफ्तार से आए थे उसी रफ्तार से गाड़ी भागती हुई सड़कों से गुजरती हुई ना जाने जापान के किस इलाके में जा पहुंची थी। ऐसा इलाका जो पहले कभी नहीं देखा था मैंने। सड़क के दोनों तरफ ब्लॉसम के पेड़ उगे हुए थे जिन पर फूल लगे हुए थे। ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जैसे जैसे हम जंगली इलाके की तरफ बढ़ते जा रहे थे, कोहरा बढ़ता जा रहा था और मौसम में ठंडक घुलती जा रही थी। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। मैं यहाँ ज़्यादा किसी को जानता नहीं, अगर ज़रूरत पड़ती तो मदद के लिए भी किसी को नहीं बुला सकता था, और इस इलाके के आसपास के इलाके को भी ज़्यादा नहीं जानता था। इस लिहाजा वहाँ से वापस आने के लिए भी मुझे उन्हीं लोग पर डिपेंडेंट रहना पड़ता। खैर, धीरे धीरे सड़क दर सड़क आगे बढ़ते हुए हम एक पुराने से बंगले के आगे आकर रुके जो जापानी शैली में बना हुआ था। देखने में काफ़ी खूबसूरत था। मैंने ऐसा कोई घर पहली बार अपनी आँखों से देखा था। मैंने ऐसी चीज़ें सिर्फ फिल्मों में देखी थी। वो दोनों गाड़ी से बाहर उतरे, उनके साथ मैं भी गाड़ी से बाहर निकल आया।
बाहर बहुत सर्द हवाएं चल रही थी, यह हवाएं और तेज़ चल रही थी और आसपास अजीब सी धुंध फैली हुई थी, बहुत अजीब। ऐसा कुछ मैंने पहली बार देखा था। मैंने कोहरे का आलम कई बार देखा था, ऐसे मौसम से कई बार गुजरा था, पर यह कुछ अजीब ही था। उस घर के चारों तरफ वो धुंध कुछ ज़्यादा ही गहराई हुई थी कि सामने की चीज़ों को देखना भी मुश्किल हो रहा था। मैं धीरे धीरे उन सभी के कदमों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता चला गया। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम घर के दरवाजे के सामने थे। दरवाज़ा भी बिल्कुल उस घर जैसा ही था, बहुत विशालकाय और पुरानी शैली का बना हुआ और बहुत भारी। दरवाज़ा खटखटाने के बाद दरवाज़ा खोला गया, हम सभी घर के अंदर दाखिल हुए। ये घर बाहर से जितना भव्य और जितना शानदार दिख रहा था, अंदर से उतना ही मायूसी भरा माहौल था यहाँ पर, पता नहीं क्यों। मैंने घर के अंदर जैसे ही कदम रखा, एक बिल्ली ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और बहुत ही अजीब आवाज़ निकाली। मुझे बिल्लियाँ वैसे भी पसंद नहीं हैं। खैर, मैंने उसे नज़रअंदाज किया और हम आगे बढ़ते चले गए। घर में ज़्यादा रोशनी नहीं थी। मैंने उनसे पूछना चाहा, आपके घर में ज़्यादा रोशनी नहीं है क्यों? फ़िलहाल के लिए हमारे घर में रोशनी का यही प्रबंध है, हम इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है हमें आपको कल भी यहाँ बुलाना पड़े, पर उम्मीद है कि आप एक बार हमारे मरीज़ को देख लेंगे तो दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मरीज़ कहाँ है? वहाँ दाहिनी तरफ उस कमरे में है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। जैसे जैसे मैं कमरे में आगे बढ़ता जा रहा था, ऐसा लग रहा था वह अंधेरा गहराता जा रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद मैं कमरे के आगे आकर रुक गया। उस कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने वहाँ बिस्तर पर लेटे हुए किसी को देखा, वो बुरी तरह कांप रहा था। मैंने दरवाज़ा धकेल कर अंदर जाने की कोशिश की। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा वो एक तकरीबन 8 या 9 साल का बच्चा था, जो कंबल से ढका हुआ लेटा हुआ था और लगातार कांपे जा रहा था। मैं उसके करीब गया और उसके ऊपर से वो कंबल हटाया और उसका माथा छूकर देखा। अरे बाप रे, इसे तो बहुत तेज़ बुखार है। जी हाँ, हमने पहले भी कुछ डॉक्टर्स को दिखाया और इसे दवा दी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये अभी भी वैसा का वैसा है। इसकी हालत बल्कि ख़राब होती जा रही है। इसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है और रात के वक्त नींद में पता नहीं क्या बड़बड़ाता रहता है। कभी कभी नींद में उठकर चलने लगता है और कल तो हद हो गई। अचानक ही ये बहुत गु़स्से में आ गया और भागते हुए सीढ़ियों से बाहर गया और मेरे डैड पर हमला कर दिया। हाँ, पता नहीं क्यों, ये बहुत गु़स्से में था और ये उनके पास गया, उन्हें धक्का दे दिया और फिर पता नहीं क्यों उन्हें मारना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, पर मुझे बहुत गु़स्सा आया और मैंने गु़स्से में इसे पीट दिया। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हो सकता है। फ़िलहाल मैं आपको कुछ दवाई दे रहा हूँ जिससे इसे राहत मिल जानी चाहिए, और इसके खाने पीने की कोई हल्की चीज़ हो तो इसे खिलाने की कोशिश कीजिए, वरना दवाएँ अपना काम नहीं करेंगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर ये कुछ खाना ही नहीं चाहता। अजीब बात है, ऐसा होता है, बीमारी के वक्त आपको भूख नहीं लगती पर कोशिश तो करनी पड़ेगी। उसे उसकी पसंद की चीज़ें खिलाने की कोशिश कीजिए, और इसके कमरे में बहुत अंधेरा है, यहाँ किसी तरह की रोशनी का इंतज़ाम कीजिए। जितनी ज़्यादा रोशनी होगी उसे उतना अच्छा लगेगा। अंधेरे की वजह से यहाँ, अब मेरा मतलब है, आप यहाँ किसी तरह से रोशनी का इंतज़ाम कर दीजिएगा। जी बहुत अच्छा, और ये सारी दवाएं जल्दी ही बाज़ार से लाकर इसे दे दीजिएगा, और अगर राहत नहीं हो तो फिर मुझे बताइएगा। ओ हाँ, ज़रूर, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद उन्होंने मेरी फ़ीस के पैसे मुझे दिए और मुझे मेरे घर तक भिजवा दिया। वहाँ से वापस आने के बाद मैंने राहत की सांस ली। पता नहीं क्यों
जितनी भी देर मैं वहाँ रुका मुझे एक अजीब सा एहसास होता रहा। पता नहीं, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक अजीब सी घबराहट हो रही थी मुझे। चाहता था वहाँ जितनी जल्द अपना काम ख़त्म कर सकूँ उतनी जल्द वहाँ से बाहर निकलूँ। पता नहीं क्यों यहाँ आकर मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। खैर, मैंने खाना खाया और उसके बाद मैं वापस अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। फिर अगले दिन से मैं अपनी पुरानी दिनचर्या पे लौट गया। सुबह के वक्त मैं अपने क्लिनिक गया और दोपहर तक वहाँ काम करता रहा। शाम के तकरीबन 4 बजे अचानक एक गाड़ी मेरे क्लिनिक के दरवाजे पर आकर रुकी। जब मैं बाहर निकला तब मुझे वही जापानी लोग दिखाई दिए जिनके घर मैं कल गया था। उन्होंने मुझे देखकर कहा, डॉक्टर प्लीज़ जल्दी चलिए, मेरे बच्चे की हालत ख़राब होती जा रही है, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं प्लीज़। अब देखिए, शायद आपको उसे किसी और अच्छे डॉक्टर से मिलवाना चाहिए। मैं भी उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ। अगर कोई परेशानी है तो मैं आपको बता सकता हूँ, मेरी जानकारी में और भी अच्छे डॉक्टर्स हैं। नहीं प्लीज़, आप हमारे साथ चलिए, अगर हम उन्हें ढूंढते रहें तो शायद देर हो जाए। प्लीज़, ठीक है, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। फिर मैंने क्लिनिक बंद किया और मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। हम फिर उन्हीं रास्तों से होते हुए उनके घर तक पहुँचे। वहाँ पहुँचते हुए शाम हो गई और फिर वैसा ही मौसम होने लगा। एक अजीब कोहरे ने उनके उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया। मैं घर के अंदर गया, उस कमरे में गया जहाँ उस बच्चे को रखा जाता था। उस कमरे के बाहर से ही मुझे रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी जो मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। जब मैं कमरे के अंदर गया तब देखा उस बच्चे के हाथ पैर बांधे गए हैं और पूरी तरह से बिस्तर पर लेटकर वो तड़प रहा था, पता नहीं क्यों, और बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। मुझे उसे देखकर उसकी हालत वाकई बहुत बुरी लगी और एक बार को लगा कि शायद मैं उन्हें इलाज के लिए मना कर दूं। पर फिर मैं उसके पास गया और उसके माथे पर हाथ रखा। उसे बुखार नहीं था पर फिर भी उसकी हरकतें बहुत अजीब थी। ऐसा लग रहा था वो बहुत बेचैन है। मैंने उसे बात करने की कोशिश की। हेलो बेटा, ध्यान दो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। मेरी बातें सुन के उसने कुछ देर के लिए उस तरह हाथ पैर चलाना और चिल्लाना बंद कर दिया। वो आंखें बंद करे हुए लेटा हुआ था। मैंने उससे दोबारा बात करने की कोशिश की। मुझे बताओ तुम्हें क्या तकलीफ़ है, मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आया हूँ। उसने अपनी आँखें खोली और मुझे एक अजीब नज़र से घूरा और एक अजीब आवाज़ में बोला, तुम मेरी मदद करोगे? उसकी आवाज़ सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया और उसके बाद वो बच्चा भी बिल्कुल खामोश होकर बेहोश हो गया। उसके परिवार वाले उसके करीब आए, वो लगभग रोने वाले थे ऐसा लग रहा था। उन सभी की आंखों में आंसू थे पर मैंने उन्हें दिलासा दिया कि उनके बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ बेहोश हुआ है। मैंने उनसे कहा कि उसे जितना जल्द हो सके एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं। उन्होंने कहा, हमने कोशिश की थी पर उन लोगों ने कहा कि हम इसे मेंटल असाइलम ले जाएं। अब ये तो अजीब बात है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस बीमार है और शायद इसी वजह से थोड़ा बेचैन है, उसे मेंटल असाइलम ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं, हमारी परेशानी समझते हैं, क्या आप हमारे घर कुछ दिन रह सकते हैं प्लीज़? देखिए, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, मेरा क्लिनिक है और मुझे वहाँ काम करना होता है और मेरे पेशेंट्स वो भी परेशान होंगे तो मैं यहाँ तो नहीं रह पाऊँगा। देखिए, आपके क्लिनिक में जितने भी पैसे कमाते हैं हम उससे दुगने देने को तैयार हैं, बस आप यहाँ पर रहिए, हम आपके खाने पीने और रहने हर चीज़ का प्रबंध करवा देंगे, आपको हर अच्छी सुविधा देंगे और ऐसे भी प्लीज़ हमारे बच्चे के इलाज के लिए मान जाइए। देखिए, ये मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता और मेरे बाकी पेशेंट्स भी तो हैं, उनका क्या होगा प्लीज़, उनकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी तो नहीं होगी। देखिए आप, मैं उसे देखने के लिए आ सकता हूँ पर यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल होगा, प्लीज़ हम सब की बात सुनिए, उसकी हालत तो देखिए,
उनके बार बार कहने पर मैं मना नहीं कर पाया, और हाँ उनकी दी हुई कीमत भी काफ़ी थी। मैं उनकी बात मानकर उनके घर में ही रुक गया। सिर्फ 2 या 3 दिन की बात होती ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे उम्मीद थी कि उनका बेटा इतने वक्त में ठीक ही हो जाता। मैंने उसे रात के वक्त कुछ दवाइयाँ दी और उसे किसी तरह से कुछ खिला पिला दिया, जिसके बाद वो अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपके आने से इसकी हालत में कितना सुधार हो गया है। कल से इसने कुछ नहीं खाया था। आपका बहुत शुक्रिया। आपके रहने का इंतज़ाम हमने इसके बिल्कुल बगल के कमरे में कर दिया है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम आपको दे देंगे। हमारे घर में कई सर्वेंट्स हैं, उनमें से एक ये मिस्टर वॉन, ये आपकी देखभाल के लिए हमेशा हाज़िर रहेंगे। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप हमें बता सकते हैं। फ़िलहाल तो नहीं, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे उस घर में अभी भी घुटन महसूस हो रही थी, पर उनके इतना कहने पर और उनके बच्चे की हालत को देखकर मैं मना नहीं कर पाया और वहाँ रहने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने मुझे मेरा कमरा दिखाया। कमरा काफ़ी साफ़ सुथरा था और काफ़ी बड़ा था। इस कमरे में एक बड़ी खिड़की थी जो बाहर की तरफ खुलती थी, और बाहर का नज़ारा मुझे साफ नज़र आ रहा था, पर धुंध की वजह से मैं ज़्यादा दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा था। कमरे में एक आतिशदान था और उसमें आग जली हुई थी, जिसकी वजह से कमरे में गर्माहट थी, और उन्होंने मेरे कमरे में कई लैंप्स जला रखे थे, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी रोशनी थी, और ये रोशनी देखकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। मैं उस कमरे में गया, अपने जूते उतारे और वहाँ आराम करने के लिए लेट गया, वहीं आतिशदान के पास। वहाँ लेटे हुए कब मेरी आँख लग गई मुझे खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं रहा। मुझे आग के सामने बैठकर बहुत राहत महसूस हो रही थी। रात के वक्त अचानक ही मेरी नींद खुल गई इसी अजीब आवाज़ से। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मेरे कमरे में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। वो सभी लैंप्स और आतिशदान की सारी आग बुझ चुकी थी। मैं मुश्किल से कुछ देख पा रहा था। खिड़की के बाहर भी पूरी तरह से अंधेरा था और ठंड बढ़ गई थी। मैंने अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनी, जो ऐसा लगा कि मेरे कमरे के बाहर आकर रुक गई और कुछ देर वहीं रुकी रही। मैं चीज़ों को देख नहीं पा रहा था, इसलिए मैं बाहर की तरफ नहीं जा पाया, पर किसी तरह रास्ता ढूंढते हुए मैं दरवाज़े तक पहुंचा और मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा। पूरे घर का यही हाल था, पूरे घर में पूरी तरह अंधेरा फैला हुआ था। इस बात ने मुझे थोड़ा डरा दिया। मैं उन सबको परेशान नहीं करना चाहता था, पर फिर भी मैंने उन्हें आवाज़ देने की कोशिश की। मैंने उन्हें आवाज़ दी, पर किसी ने शायद मेरी आवाज़ नहीं सुनी। फिर अचानक मैंने अपने सामने से एक आकृति को गुजरते हुए देखा। मैं उसे साफ नहीं देख पाया, पर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था ये वही बच्चा था जिसके इलाज के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था। उसका नाम जूनियो था, सब उसे जून कहते थे। मैंने उसे आवाज़ देने की कोशिश की। जून, क्या ये तुम हो? पर उसने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, वो आगे बढ़ता रहा। अजीब बात यह थी कि उसके चलने पर ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी के पंजे ज़मीन से टकरा रहे हों। इस घर का फर्श लकड़ी का बना हुआ था और इसलिए ये आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। घर में पूरी तरह सन्नाटा फैला हुआ था। मैंने उसके पीछे जाने की कोशिश की। वो धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ता हुआ ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँचता गया, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं बस उसके पीछे आगे बढ़ता रहा। फिर वो एक कमरे के आगे आकर रुक गया। उस कमरे के बाहर एक फिश बोल रखा था, जिसमें 2 खूबसूरत मछलियां तैर रही थीं। उस कमरे में बाकी कमरों के मुकाबले थोड़ा उजाला था, क्योंकि सामने एक बड़ी खिड़की थी जिससे होकर चांदनी रात का कुछ उजाला कमरे के अंदर आ रहा था। जून उसी कमरे के दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। वहीं एक टेबल पर वो फिश बोल था। उसने फिश बोल की तरफ गहरी निगाहों से घूरा और सीधे उस फिश बोल में अपना हाथ डाल दिया और एक मछली को निकाल कर वही मेरे सामने खा गया। मैं ये देखकर बिल्कुल
अचंभित रह गया और मुझे बड़ा अजीब महसूस हुआ। मैंने फौरन उसे चिल्लाकर कहा, जून। उसने मेरी तरफ एक अजीब नज़र से घूर कर देखा। जब मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा तो मैं तकरीबन मोहचक्का रह गया। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।